तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज़। पहली खबर आ रही है हमारे देश में जल्द ही लॉन्च होने वाले 5G नेटवर्क से रिलेटेड, जहां पर हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ने परमिशन दे दी है 5G स्पेक्ट्रम के एलोकेशन और ऑक्शनिंग के लिए। दोस्तों आपको पता होगा कि जब भी कोई न्यू जनरेशन नेटवर्क लॉन्च होता है, उस समय पर जो भी फ्रीक्वेंसीज है, जो भी बैंड्स है, उसके लिए ऑक्शंस किए जाते हैं, जिन्हें स्पेक्ट्रम्स बोला जाता है। और जो भी हमारे नेटवर्क प्रोवाइडर्स होते हैं, जिस तरीके जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जैसे प्रोवाइडर्स है, वो इनके लिए बिड्स करते हैं, और जो भी ज्यादा से ज्यादा ऑक्शन ले पाता है वो बेटर तरीके से अपने नेटवर्क एक्सपांड कर सकता है। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री के हिसाब से 3,92,332 करोड़ रुपीज की वैल्यू ये सारे फ्रीक्वेंसीज रखती है, और देखते हैं कि कौन सा नेटवर्क कैरियर हमारे देश के अंदर सबसे बड़े अमाउंट्स के साथ में बिड करता है और मैक्सिमम बैंड्स अपने पास रखने के लिए केपेबल बनता है। अगली दोस्तों खबर आ रही है गुजरात से, जहां पर कल एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा के साथ में, जिसके जरिए गुजरात में जुलाई 2021 तक एक नई बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी हमें खुलते हुए नजर आएगी। तो दोस्तों हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने डायरेक्टली यूके के इस कॉलेज के साथ में डिस्कशन किए थे, और आप सब जानते होंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा एक वेरी वेल रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी है, और इनके जरिए फॉरेन कोलैबोरेशन हमारे देश के अंदर, चाहे वो रिसर्च फील्ड में हो या फिर जनरल हायर एजुकेशन के अंदर, उसके अंदर एक ग्रोथ होते हुए हमें यहाँ पर जरूर नजर आएगा। दोस्तों ये हमारे देश का पहला इस तरीके का कोलैबोरेशन है, जहाँ पे कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी एक स्पेशलाइज सेक्टर के अंदर हमारे देश के अंदर एक ब्रांच सेटअप कर रही है, और उम्मीद करते हैं कि इसके बाद में भी हमें कुछ और कॉलेजेस इसी तरीके से यूनिवर्सिटी सेटअप करते हुए हमें इंडिया में भी नजर आएंगे। अगली दोस्तों खबर आ रही है 1366 टेक्नोलॉजी से, जो यूएस में बेस्ड एक बहुत बड़ी सिलिकॉन वेफर मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, और इन्होंने कहा है कि वो 15 कंपनीज के साथ में मिलकर इंडिया में $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसके जरिए इंडिया में सोलर इक्विपमेंट फैसिलिटीज बनाई जाएगी। दोस्तों कल ही हमने माइक्रॉन रिलेटेड खबरें देखी थी, जहां पर हमें पता चला था कि माइक्रॉन भी इंडिया में कुछ बैकएंड मैन्युफैक्चरिंग वाली चीजें बना सकता है, और अभी एक और बड़ा सिलिकॉन मैन्युफैक्चरर हमें इस फील्ड में एंटर होते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ने जो है फॉरेन से जो भी सोलर पैनल्स के पार्ट्स वगैरह आते हैं, उनके ऊपर के टैक्सेस अगले साल बढ़ाने का डिसीजन लिया है, जिसके कारण कई सारे मैन्युफैक्चरर्स चाइना या दूसरे कंट्री से इंडिया में बेस शिफ्ट करने के बारे में वैसे भी सोच रहे थे। तो इसी के अंदर या इसी का एक रिजल्ट भी आप इसे कह सकते हो, और अराउंड 10 गीगावाट की टोटल कैपेसिटी की प्लांट 1366 टेक्नोलॉजीज इंडिया में बनाएगी, ऐसा फिलहाल हमें नजर आ रहा है। अगली दोस्तों खबर फिर से सोलर रिलेटेड आ रही है, जहां पर कल हमारे देश के अंदर एक और सोलर प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया गया था, लेकिन गुजरात में जो बहुत बड़ा वाला सोलर प्लांट कल इनॉग्रेट हुआ, उसके पीछे ये छुप गया था। तो कल हुआ ये था कि महाराष्ट्र के अंदर रूरल एरियाज में 7.9 गीगावाट का एक सोलर एग्रो प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया गया था देवी दथन में, जहां पर MSDCL जो यहाँ की डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटी है और ESL इंडिया के साथ में मिलकर इस पूरे प्लांट को बनाया गया। तो दोस्तों कुछ इंफॉर्मेशन न्यूज़ पहले मैंने आपको एक खबर दी थी कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट सोच रही है कि रूरल एरियाज में जो भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि पंप्स होते हैं या दूसरी मशीन्स हैं, उन्हें चलाने के लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा, और स्पेसिफिकली यही काम करने के लिए इस पूरे के पूरे प्लांट को यहां पर इंस्टॉल किया गया है। इसके जरिए रिलायबल, कंटिन्यूस और जब जरूरत पड़े तब इलेक्ट्रिसिटी की एक्सेस फार्मर्स के लिए मौजूद हो जाएगी, और बेहतर तरीके से अपने फार्मिंग में वो अलग अलग चीजों को इस्तेमाल कर पाएंगे। आने वाले कुछ सालों के अंदर टोटल 679 मेगावाट्स के प्लांट्स हमें महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलेंगे, जो इसी तरीके के कामों के लिए बनाए जाएंगे, और उम्मीद करते हैं ये सारे काम बहुत जल्द होंगे। अगली दोस्तों खबर आ रही है बेंगलोर से, जहां पर यहाँ के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बेस्कॉम ने डिसाइड किया है कि उस शहर के अंदर मौजूद 7,250 किलोमीटर इलेक्ट्रिकल वायर जो फिलहाल पोल्स के ऊपर से पास करती है, उन्हें पूरी तरीके से अंडरग्राउंड कर देगी। साथ साथ 11 किलोवाट के हाई टेंशन लाइन जो आप बड़े वाले पोल्स दिखते हो, उन्हें भी कुछ जगहों पर अंडरग्राउंड करने का काम गवर्नमेंट करने वाली है। दोस्तों ये काम ना सिर्फ सिटी के एस्थेटिक्स को बढ़ाने के हिसाब से किया जा रहा है, लेकिन जो भी वायर्स पोल्स पर होती है या जो सर्फेस के ऊपर मौजूद होती है, उनके अंदर बारिश के समय, हैवी विंड्स के समय, बर्ड्स के कारण और अलग अलग दूसरे ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इस पर बेस्कॉम हर साल बहुत ज्यादा रिसोर्सेस स्पेंड करती है, और ये आए दिन इनके लिए हेडेक बनता जा रहा है, जो ना सिर्फ बेंगलोर की लेकिन देश के कई सारे शहरों के अंदर की सेम समस्या है। इसी से छुटकारा पाने के लिए लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बेस्कॉम ने अंडरटेक किया है, और इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत 6 डिविजन्स में 1 by 1 आपको सारे के सारे इलेक्ट्रिकल वायर्स अंडरग्राउंड होते हुए नजर आएंगे। उम्मीद करते हैं बाकी हमारे देश के बड़े शहर भी ऐसी कुछ सिमिलर प्रोजेक्ट्स आगे जाकर अंडरटेक करेंगे। बढ़ते दोस्तों अगली खबर की तरफ, जो आ रही है तमिलनाडु से, जहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने 24 मेमोरम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं, जिसकी टोटल वैल्यू 24,284 करोड़ रुपीज है। इसके साथ साथ कई सारी कंपनीज ने यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन्स भी रखे हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, जिनके कारण 54,218 जॉब्स स्टेट के अंदर क्रिएट होगी। दोस्तों आए दिन हमें तमिलनाडु में वैसे भी इन्वेस्टमेंट्स देखने के लिए मिलती है, और इसी चंक के अंदर एक और बड़ी लीप होती हुई हमें नजर आ रही है।
अगली दोस्तों खबर आ रही है हमारी कोस्ट गार्ड से रिलेटेड, जिन्हें 105 मीटर्स की एक पेट्रोल शिप जिसका नाम रखा गया है सुजीत, वो हैंडओवर कर दी गई है गोवा में। तो दोस्तों ये शिप बनाई गई थी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा और वास्को टाउन के अंदर इसे हमारी नेवी को हैंडओवर कर दिया गया है। तो इसी कारण जो हमारी कोस्टल एरिया की सिक्योरिटी है, जो कोस्ट गार्ड के काम होते हैं, वो बेहतर तरीके से हमारे कोस्ट गार्ड्स कर पाएंगे। और ऐसी सिमिलर चीज हमें कल सूरत में भी होते हुए नजर आई है, जहां पर इंडियन कोस्ट गार्ड्स को हजारिया में एक इंटरसेप्टर बोट C-454 डिलीवर कर दी गई है सूरत पुलिस कमिश्नर के द्वारा। इसके जरिए गुजरात और गोवा दोनों जगह पर हमारे कोस्ट गार्ड जो भी अपने काम करते हैं वो और बेहतर और एफिशिएंट तरीके से करने में उन्हें हेल्प मिलेगी। अगली दोस्तों आज की खबर आ रही इसरो से। जैसे मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि आज हमारे देश के अंदर एक और इम्पोर्टेंट लॉन्च प्लान किया गया है, जहां पर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में से PSLV C-50 रॉकेट के द्वारा एक सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किया जाने वाला है, जो CMS-01 कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगा। तो दोस्तों जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी तक लॉन्च हुआ नहीं है, अभी लॉन्च होने में बहुत देर बाकी है। अगर लॉन्च टाइम पर होता है और तब तक ये वीडियो एडिट नहीं हुई है तो आपको वो क्लिप जरूर दिख रही होगी, अगर नहीं दिख रही होगी तो कल की वीडियो में वो क्लिप मैं जरूर ऐड कर दूंगा। अगले दोस्तों एक छोटी सी खबर आ रही है पुणे मेट्रो से, जहां पर एक और एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग डिजाइन का ब्रिज अनवेल किया गया है और इसके डिजाइन सामने रखे गए हैं, जो बनाया जाएगा मूथा रिवर के ऊपर। और ये छत्रपति संभाजी राजे उद्यान को शनिवार पेट के साथ में जोड़ेगा नदी के ऊपर से गुजरते हुए। तो अभी आप डिजाइन में देख सकते हो कि जो वीणा इंस्ट्रूमेंट है, जो काफी एक ट्रेडिशनल इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसके डिजाइन को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है और काफी यूनिक तरीके का ये ब्रिज यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। अगली दोस्तों खबर आ रही है मुंबई से, जहां पर हमारे देश में बन रहे सेकेंड लॉन्गेस्ट इंटरसिटी सी ब्रिज के लिए एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन हासिल कर लिया गया है। दोस्तों वर्सोवा बांद्रा सी लिंक, आज का जो करंट बांद्रा वाली सी लिंक है, और जुहू ब्रिज के अक्रॉस जो वर्सोवा मौजूद है उसे कनेक्ट करते हुआ एक 17.17 किलोमीटर लंबा ब्रिज होगा। और पिछले कुछ दिनों से इसका काम ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट होते हुए हमें नजर आया था। तो यहाँ पर पहला कॉलम बनाने के लिए समुद्र में काम शुरू हो चुके हैं, यानी आप कह सकते हो बांद्रा वैली सीलिंग के अक्रॉस वाला एरिया है वहां पर पिलरिंग का काम शुरू हो चुका है। और साथ साथ कल मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा कुछ मैंग्रोव्स को हटाने के लिए भी इस ब्रिज को परमिशन दे दी गई है। इसके जरिए ज्यादा एफिशिएंटली और बिना रुकावटों के इस ब्रिज का काम हो पाएगा और उम्मीद करते हैं कि जो इसकी एक्सपेक्टेड डेट है उस टाइम पर ये कंप्लीट होते हुए हमें नजर आएगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है एम्स राजकोट से, जिसके कंस्ट्रक्शन का शिलान्यास हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा किया गया है और यहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स का भूमि पूजन भी इंक्लूडेड था। दोस्तों एम्स राजकोट वन ऑफ द बिगेस्ट एम्स हॉस्पिटल होगा जो हमारे देश में बन रहा है। 160 एकर्स के अंदर ये पूरा का पूरा कैंपस फैला होगा। यहाँ पर एक नॉर्मल हॉस्पिटल, कई सारे स्पेशलिटी वार्ड्स और एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेपरेटली बनाया जाएगा। इसके अलावा एक मेडिकल कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्पोर्ट्स अरीना और कई सारे दूसरे एलिमेंट्स भी इस कैंपस के अंदर ऐड किए जाने वाले हैं। तो यहाँ पर अब जब तस्वीर में देख सकते हो किस तरीके से एम्स बनाया जाने वाला है और 2025 तक इंडिया में 22 एम्स हॉस्पिटल खुल जाएंगे ऐसी हमें उम्मीद है, जबकि साल 2010 में हमारे पास सिर्फ एक एम्स हॉस्पिटल हुआ करता था। आज के आस्क पीटी सवाल की बात करें तो अमन प्रसाद पूछते हैं, व्हाई कांट इंडिया मेक विंड एनर्जी इन लार्ज अमाउंट। तो दोस्तों ये एक सच बात है कि विंड एनर्जी कंपैरेटिवली अगर हम सोलर या दूसरे एनर्जी जनरेशन मेथड से कंपेयर करें तो उसे बहुत ही कम स्केल पर बनाया जाता है और इसके पीछे दोस्तों कई रीजन है। पहली बात दोस्तों, विंड एनर्जी बहुत ज्यादा लोकेशन डिपेंडेंट है और जहां पर ये लोकेशन डिपेंडेंट भी होती है वहां पर भी ये काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट होती है, इसलिए विंड एनर्जी को कभी भी प्राइमरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं रखा जाता है, इसे सिर्फ पीकर प्लांट्स की तरह रखा जाता है। दूसरी बात, विंड एनर्जी कंपैरेटिवली सोलर, हाइड्रो पावर या थर्मल से भी कंपेयर करें तो वो बहुत ज्यादा महंगी होती है। जो लोकल एरिया होता है वहां पर बहुत ज्यादा नॉइज डिस्टर्बेंसेस भी लोगों को फेस करने पड़ते हैं अगर वहां पर विंड फार्म बनाया जाए। और साथ साथ जितनी एनर्जी किसी विंड फार्म में से प्रोड्यूस होती है कंपैरेटिवली विंड मिल्स अगर आप पूरे प्लांट के साइज को कंपेयर करो तो बहुत ही बड़ा एरिया कैप्चर कर लेती है और इसके कारण फ्यूचर में एक्सपांशन की पॉसिबिलिटीज भी यहाँ पर लिमिटेड होती है। इसके अलावा विंड फार्म को मेंटेन करना भी बहुत ही ज्यादा टेक्निकली डिफिकल्ट होता है, काफी ज्यादा हजारडेस भी ये बन जाता है वहां के लोकल लोगों के लिए। और दोस्तों साथ साथ कुछ आर्टिकल्स भी ऐसे बाहर आए जिन्होंने ये प्रॉपरली प्रूव करके बताया है कि जहां पर विंड फार्म्स बनते हैं वहाँ उसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर बर्ड पॉपुलेशन में 5-10% तक का डिप हमें देखने के लिए मिल सकता है, जो विंडमिल से हुए इंजरी के कारण मर जाते हैं। तो दोस्तों इन रीजन के कारण सोलर एनर्जी फार्म सेटअप करना एक काफी टीडियस टास्क है और फिर प्रेफरेबली क्योंकि हमारे पास बेटर ऑप्शन अवेलेबल है इसलिए इंडिया ज्यादा विंड एनर्जी को अडॉप्ट नहीं कर रहा। मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली ज्यादा इसलिए कहा क्योंकि हमारे देश के अंदर अभी भी बहुत बड़े स्केल पर नए विंड फार्म्स बनाए जा रहे हैं। गुजरात के गल्फ ऑफ खंबात में वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफशोर विंड एनर्जी फार्म बनाया जाने वाला है, क्योंकि ये कई सारी जो समस्या है वो विंड फार्म्स अगर हम समुद्र में बनाए तो उसमें सॉल्व हो जाती है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी ऑफशोर विंड फार्म्स बनाने के लिए प्लान्स चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास अच्छे मेथड्स इससे बेहतर अवेलेबल है इसलिए विंड फार्म्स को ना सिर्फ इंडिया में लेकिन दुनिया के कई सारे अलग देशों में भी
अभी कम प्रेफरेंस मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलेंगे अगले वीडियो में।